वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण पर आने वाले आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की। गोरखपुर के NISC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह और DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर लें, आरक्षण में आने वाले आपत्तियों को समय से निस्तारण करके समय से अंतिम सूची जारी कर दे, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। नियुक्त करने पड़ेंगे और एक चांस से रिपीट होगा। तीन आपको इलेक्शन कराने हैं ना, तीन पंचायत में? हाँ, तीन। तो तीन जगह मिल रहे हैं सर? नमस्कार सर, DM बलरामपुर सर। सर, हमारी 2011 में सर सेंसिस के मुताबिक 52 सर ग्राम सभा की SD की सर, जो इस बार सर सर्वे कराया है ये ज्वाइन की सर उनके लिए सर। नहीं, वेकेंट नहीं रखनी पड़ेगी, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हो, मुद्दे पे यही कहना था आप लोगों को, अगर कोई फीडबैक देना बताइए। सर, DR ना बोल रहा हूँ सर, राजी और चांसा, उसके बाद और ज्यादा पंचायतों में शेड्यूल ट्राइब स्प्रेड है, वहाँ पे सीटें ज्यादा चली जाती हैं, इसीलिए मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब आर इन सोनभद्र ऑलमोस्ट 50%, बट 50% सीट वी आर नॉट गिविंग टू सोनभद्र, वी आर गिविंग ओनली 20%। तो ठीक है, वो अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है नियमावली में और संविधान में उसके हिसाब से किया गया है, बट अच्छा है कि आपके यहाँ जितनी सीटें गई हैं उतने प्रधान आपको मिल रहे हैं। तो जितना कुछ कह रहे हैं सर, यहाँ पर